नमस्ते। हेलो बच्चों, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। बच्चों, हम लोगों ने हमारा नया चैप्टर शुरू करा था जो था इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन के मेथड्स देखे थे। कुछ कुछ थे ऑन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ पॉलीमर्स, एक था बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, एक था बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। बच्चों, अब देखो, एक पॉलीमर लिया, पॉलीमर के अंदर क्या रहते हैं, मोनोमर यूनिट्स रहते हैं। तो ये मोनोमर यूनिट्स सेम भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स हो सकते हैं, या तो फिर एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। तो जो सेम मोनोमर यूनिट के पॉलीमर रहते हैं उनको बोलते हैं हम होमोपॉलीमर्स। मतलब ही क्या, सिर्फ एक ही रिपीटिंग यूनिट रहता है उसमें। एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीप्रीन, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन 6, पॉलीएक्रिल नाइट्राइल, नायलॉन 6-6, ये अलग अलग टाइप ऑफ होमोपॉलीमर्स है जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट सेम रहेगा। कोपॉलीमर्स मतलब क्या, कोपॉलीमर्स मतलब कि मोर देन वन रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। यानी कि अगर हमने एक पॉलीमर लिया, उसके अंदर सपोज अलग अलग टाइप के मोनोमर्स है, ए मोनोमर, बी मोनोमर, सी मोनोमर, तो इन सबका जब हम मिक्स करके पॉलीमर बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। होमो मतलब एक टाइप का, कोपॉलीमर मतलब कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द पॉलीमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ठीक है। तो बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स आपको समझ में आ गया। होमोपॉलीमर्स क्या रहते, कोपॉलीमर्स क्या रहते। होमोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन 6, पॉलीएक्रिल नाइट्राइल, नायलॉन 6-6। बच्चों देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि नायलॉन 6-6 हमने अभी तक तीन बार पढ़ लिया, अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग टाइम, ठीक है। तो आपको इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये चार्ट बनाइए, आप वहां पे लिखिए कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमर है और उसके आगे सिर्फ एग्जांपल लिखिए और ये एग्जांपल का चार्ट आपके रूम में लगाइए, ठीक है। कोपॉलीमर्स के कौन से एग्जाम्पल है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब क्या, जब भी कुछ हम चीज लेते हैं और उसको ऐसे एनवायरमेंट के अंदर फेंक देते या तो फिर मैं बोलूंगा सड़ने देते, तो क्या होगा, जो भी अपने माइक्रोब्स है जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो आते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको जो बेसिक कंपाउंड्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और कोई दूसरे जो कंपाउंड है उसके अंदर उसको डिग्रेड कर देते, डिकम्पोज कर देते, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जहां पे ऐसे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर पाते और उन चीजों को डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, ये पोल्यूशन करवाते, एयर पोल्यूशन। किसके वजह से है, अलग अलग टॉक्सिक गैसेस के वजह से, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब किसके वजह से है, इन तरीके ये पॉलीमर्स के वजह से जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी हमने दो टाइप के अंदर उसको क्लासिफाई किया, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और एक है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो जो मेजोरिटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स है ये रहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये इनका पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अभी हम लोगों को जब ये समझ में आया कि ये कितना एक थ्रेट पोजेस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उनका ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कितना बड़ा हाथ है, उनके ओजोन डिप्लीट करने के अंदर कितना बड़ा हाथ है, तो हम अपना थोड़ा अभी स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स ग्रीन केमिस्ट्री की ओर मूव करें। मतलब क्या, जो कि एनवायरमेंटली सेफ हो और जो ज्यादा पोल्यूशन ना कॉज करे, ठीक है। ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री हमारा ऑल टुगेदर एक दूसरा चैप्टर है जो कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक सारे क्लासिफिकेशंस देख लिए कि पॉलीमर्स को छह अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने के मेथड्स थे और वो छह मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हर पॉलीमर को, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है, ऐसे 12 पॉलीमर्स मेरे पास है, तो ये पॉलीमर्स को हम अभी डिटेल स्ट्रक्चर करने वाले, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रबर। तो नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर, अभी तक हमने ये दो वर्ड सुन लिए। नेचुरल रबर क्या था, नेचुरल डेरिवेटिव था, यानी कि नेचुरल पॉलीमर था जो कि प्लांट डेरिवेटिव है, लैटेक्स से बनता है, ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर क्या था, मैंने बताया क्या था, नेचुरल रबर के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे जिसके वजह से हमें वल्केनाइज्ड रबर मिलेगा। तो रबर, रबर क्या है, रबर एक इलास्टोमर है, ठीक है। इलास्टोमर मतलब क्या, जिसके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर स्ट्रेच होगा और एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने छोड़ दिया तो वो रिट्रैक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से, उसके बलून, आप फुलाते हो उसको, जब भी आप बलून के अंदर हवा भरोगे तब वो बलून एक्सपांड होता है, ठीक है। हवा छोड़ दी तो बलून रिट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे हवा क्या हो गया, एक्सटर्नल एप्लीकेशन फोर्स हो गया, ठीक है। शूलेसेस, टायर्स,
सर्जन ग्लव्स, सर्जन जब अपने ग्लव्स पहनते हैं तो वो भी देखो आप, जब वो खींचते हो तो पीछे आ जाता है, जब आप छोड़ते हो तो अपने हाथ का पोजिशन लेता है, ठीक है। उसके बाद में गार्डन होस, ये सारे क्या है, ये रबर्स के एग्जाम्पल है, इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेचुरल रबर, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये, ठीक है, 1, 2, 3, 4, सेकेंड कार्बन पे एक मेथिल का ब्रांच, ठीक है, तो 2-methyl-1,3-butadiene, क्यों, क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है, 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है। ये है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन एज देयर मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। लीनियर पॉलीमर है ये, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, समझ गए, 1,30,000 से 3,40,000, ठीक है। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, यह हमने नेचुरल रबर तो देख लिया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है कि हमने इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए, क्यों किए चेंजेस, ताकि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें इंप्रूव होती है, सबसे पहले तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसकी जो उसके अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई, उसके अंदर थोड़ी इलास्टिक टफनेस आ गई, मतलब इलास्टिसिटी उसकी बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ वो टफ हो गई, मतलब ही क्या कि जो रबर बैंड पहले यहां पे आने तक टूट जाता था, अब उसी रबर बैंड को हम यहां तक ही खींच सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी इलास्टिसिटी भी इंक्रीज हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी टफनेस भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। किस तरीके, वन ऑफ द मेथड ऑफ वल्कनाइजेशन है थ्रू सल्फर, ठीक है। सल्फर कैसे उसका वल्कनाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा कि वो क्रॉसलिंक बनाएगा, जो अपने पॉली आइसोप्रीन मैंने बताया था आपको, क्रॉसलिंक कैसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लीनियर चेन्स रहते हैं और उनके बीच में क्रॉसलिंकिंग होगा, तो ये जो क्रॉसलिंकिंग है अगर ये सल्फर के थ्रू हो रहा है बहुत सारे लीनियर आइसोप्रीन यूनिट्स के बीच में, यानी कि पॉली आइसोप्रीन चेन्स के बीच में अगर हम क्रॉसलिंकिंग करवा रहे हैं सल्फर की मदद से, तो हम उसको बोलेंगे सल्फर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, समझ में आ गया। वल्कनाइजेशन क्या है, क्यों करवाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी इंप्रूव होती है, और सल्फर वल्कनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो नेचुरल रबर हमने देख लिया, नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आइसोप्रीन, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जो कि है पॉलीइथीन। पॉलीथीन बहुत कॉमन यूजेज है हमारा उसका डेली लाइफ के अंदर, पॉलीथीन हमें कुछ भी लेना होता हम पॉलीथीन यूज करते हैं, लेकिन रिसेंटली उसके ऊपर बैन भी आया था बहुत सारी जगह पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो पॉल्यूशन था, आपने पॉलीथीन इतना ज्यादा वास्ट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था कि उस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो उसको बैन करना उतना ही जरूरी था। तो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंड इट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक है ये, थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया था क्या रहता है, थर्मोप्लास्टिक एक था और एक थर्मोसेटिंग था। अब देखो याद रखो थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोसेटिंग मतलब क्या, एक बार हार्ड करने पर वो सेट हो गया, अब उसको कुछ भी कर लो तुम रिमोल्ड नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या, हम उसको रिपीटेड कूलिंग और हीटिंग से रिमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन एक सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक है। उसके अंदर दो टाइप्स थे, मैंने आपको बताया था हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, कैसे बनाते हैं उसको, अंडर हाई प्रेशर। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए अपन हाई प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 350 to 570 केल्विन, और उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी लेते हैं या तो फिर पेरोक्साइड एज इनिशिएटर, ठीक है। ये ले लिया हमने इथिलीन का मॉलिक्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड एट 350 और 370 केल्विन एट 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट गिव्स अ पॉलीमर नोन एज लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। लो डेंसिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचेस रहेंगे, ब्रांचेस रहने की वजह से लूजली पैक होंगे, लूजली पैकिंग की वजह से उसको डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म कौन सा है, देखो यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम, O2 या तो फिर पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं एज एन इनिशिएटर। इनिशिएटर से आपको क्या याद आ रहा है, चेन इनिशिएशन स्टेप, जो कि थ्री फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर, ठीक है। और एच एटम एब्स्ट्रैक्शन के वजह से इसके अंदर आती है ब्रांचिंग, जो कि लूज पैकिंग करवाता है और उसको एक लो डेंसिटी देता है, ठीक है। ये लूज ब्रांचिंग किसके वजह से आती है,
हाइड्रोजन एटम के एब्स्ट्रैक्शन के वजह से, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पॉलीथीन, अब पॉलीथीन आप देखोगे तो कैसे रहती है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, उसको अपन खींच सकते हैं, लेकिन टफ रहते हैं, जल्दी से फटती नहीं है, ठीक है। खींचे तो फट जाती है क्या, नहीं, खींच भी सकते हैं लेकिन फटता नहीं है, ठीक है। केमिकली इनर्ट है, जल्दी से जलता नहीं है, पानी से भी कुछ होता नहीं है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कहां कहां पे यूज होता है पॉलीथीन, प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शन, ठीक है। इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल्स, सबमरीन केबल इंसुलेशन, स्क्वीज बॉटल्स, अट्रैक्टिव कंटेनर्स, इन सब के अंदर पॉलीथिलीन हम यूज करते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, याद रखना ये सब किसके यूजेस बता रहा हूं मैं, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन अभी हम दो मिनट में पढ़ने वाले, ठीक है। तो यूजेस समझ में आ गए लो डेंसिटी ऑफ पॉलीथिलीन के, देखेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन क्या है। इसके अंदर क्या है, लीनियर चेन है, लीनियर चेन की वजह से क्लोज एंड कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग उतनी ज्यादा डेंसिटी, ठीक है। इसके पॉलीमराइजेशन के लिए हम जिग्लर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, एट 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट। क्या लिया, इथिलीन का मॉलिक्यूल लिया, इथिलीन का ही मॉलिक्यूल हमें एलडीपी में भी था, लेकिन वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर दूसरा था, ठीक है। वहां पे हमको मिल रहा था लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, यहाँ पे हमको मिल रहा है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। जिग्लर नाटा कैटलिस्ट है क्या, ट्राइएथिलीन एल्यूमिनियम मिक्स्ड विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, उसको हम बोलेंगे जिग्लर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमने देखा था लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का मेल्टिंग पॉइंट था 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, हार्डनेस ज्यादा है। इसके यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, टू प्रिपेयर लेबोरेटरी वेयर्स, ठीक है। उसके हमने यूजेस कहां कहां देखे थे, पाइप्स के अंदर देखा था, बराबर, एग्रीकल्चरल पाइप्स, डोमेस्टिक वाटरलाइन पाइप्स, ठीक है। तो याद रखना है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन के यूजेस क्या क्या है और लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के यूजेस क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ। अभी तक हमने क्या देख लिया, रबर देख लिया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देख लिया, उसके बाद में हमने देख लिया पॉलीथिलीन, जिसके दो टाइप्स है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। अब हम देख लेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का आईयूपीएसी नेम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। आप देखो पॉली, पॉली मतलब क्या, बहुत सारे यूनिट्स, किसके, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन के, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इथिलीन ये था इथिलीन, टेट्रा फ्लोरो यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन ने, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। वर्ड्स याद नहीं रखना, कंसेप्ट से याद रखो, ठीक है। टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, टेट्रा फ्लोरो यानी चार फ्लोरिन, इथिलीन यानी कि इथिलीन के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक। तो क्या करा, पॉलीमराइजेशन करा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हमें क्या मिल गया, टेफ्लॉन, ठीक है। इसको भी कैसे करते हैं, हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर से, यानी कि क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि ये क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। फ्री रेडिकल कहां से आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आ सकता है, या तो फिर अमोनियम परसल्फेट से भी आ सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या तो फिर अमोनियम परसल्फेट, इन दोनों से हम एक फ्री रेडिकल ऑब्टेन करेंगे, और वो फ्री रेडिकल से हम चेन इनिशिएट करवाएंगे, चेन इनिशिएट होने के बाद प्रोपेगेट करेगी, और प्रोपेगेट जब हमें डिजायर्ड नंबर ऑफ मोनोमर्स मिल जाएंगे हमारे पॉलीमर के अंदर, तब हम उसका टर्मिनेशन करवा देंगे, ठीक है। टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, टफ है, केमिकल इनर्ट है, और रेजिस्टेंट टू हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव एजेंट्स। क्यों, क्यों ये कोरोसिव एजेंट्स या तो फिर हीट से को रेजिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, उतना ही ज्यादा वो रेजिस्टेंट होगा हीट और एक्शन बाय कोरोसिव एजेंट्स का, ठीक है। यूजेस, अब इसका यूजेस कहां कहां है, ऐसे कौन सी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उनको, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है, ऑयल सील्स, गैसकेट्स, इन सब के अंदर हमें टेफ्लॉन यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जो कि है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नाम से समझ में आ गया कि एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर है, ठीक है। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाता है,
इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। समझ में आ गया होगा आपको। एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी कि चेन इनिशिएशन प्रोपेगेशन टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लगेगा एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहां से आता है? पेरोक्साइड की वजह से। तो यानी जो भी पॉलीमर्स है जिसके अंदर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं वहां पे हमें एक पेरोक्साइड लगेगा। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड क्या देगा? फ्री रेडिकल देगा। वो फ्री रेडिकल कहां यूज होगा? चेन इनिशिएशन स्टेप में। अगर कोई भी प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हुई तो प्रोसेस होगी ही नहीं। शुरू करने के लिए हमें फ्री रेडिकल जरूरी है और वो फ्री रेडिकल हमें मिल्क दे कौन रहा है? पेरोक्साइड। इसके वजह से जहां पे भी आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन दिख रहा है वहां पे आपको रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखेगा। समझ गए आप? एक्रिलोनाइट्रेट हमने क्या देखा? पॉली इथिलीन के अंदर मोनोमर ये था, टेफ्लॉन के अंदर टेट्राफ्लोरो इथिलीन था। पॉली एक्रिलोनाइट्रेट इसके अंदर क्या है? ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल हमारा मोनोमर यूनिट है। देख रहे होगे यह तीनों एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा रहे हो और इन तीनों के अंदर डबल बॉन्ड है। समझ गए? मैंने आपको बताया था एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर या तो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो फिर बाय फंक्शनल कंपाउंड होने चाहिए वो। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहां कहां पे यूज होते हैं? इट इज यूज एज अ बोल सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ओलन और एक्रिलाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर जो कि है पॉलीअमाइड पॉलीमर्स यानी कि नायलॉन्स। देखो ये जो है ये सिंथेटिक लीनियर पॉलीमर्स है यानी कि हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करेंगे। लीनियर है यानी कि इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम्स, ये एक मेथड। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी कि इसको रिंग ओपनिंग से भी बनवा सकते हैं, इसको कंडेंसेशन से भी बनवा सकते हैं। कंडेंसेशन अगर हमें करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायमाइंस यूज करके। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको बताया था बाय फंक्शनल कंपाउंड्स लगेंगे, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है डायमाइंस और डायकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि दो दो है हर एक कंपाउंड में, दो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। इसके वजह से कंडेंसेशन रिएक्शन करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। या तो फिर सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड। समझ गए? ये दो अलग अलग मेथड्स है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाने की या फिर रिंग पॉलीमराइजेशन करवा लो लैक्टम्स का। तीनों के अंदर हमें मिल क्या रहा है? पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। तीनों मेथड से हमें क्या मिल रहा है? पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, जिसको ही हम नायलॉन्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके अंदर कौन सा रहता है? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनएच, ये वाला लिंकेज रहता है आपके। ठीक है, और इसके अभी दो टाइप है, एक तो नायलॉन 66 और एक रहता है नायलॉन 6। नायलॉन 66 के अंदर मोनोमर कौन सा यूज करते हैं हम? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन। समझ में आ गया? नायलॉन 66। अब ये नायलॉन 66 हमें ऐसे दो बार क्यों 6 लिख रहे हैं यहां पे? क्योंकि इसके जो दोनों मोनोमर्स है ये और ये, इन दोनों के अंदर 66 कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये 66 क्या रिप्रेजेंट करता है? एडिपिक एसिड के अंदर 6 कार्बन एटम और हेक्सामेथिलीन डायमाइन के अंदर 6 कार्बन एटम। इससे हमें पता चलता है कि नायलॉन 66 के अंदर दो मोनोमर्स यूज हुए हैं जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। समझ गए? पॉलीमर्स के दो टाइप थे नायलॉन 66 और नायलॉन 6। कौन सा लिंकेज था? सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनएच। नायलॉन 66 के अंदर 66 क्यों लिख रहे हैं हम? 6 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ द मोनोमर यूनिट्स। कौन से मोनोमर्स है इसके अंदर? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन। बनता कैसे है? ये ले लिया हमने हेक्सामेथिलीन, ये ले लिया हमने एडिपिक एसिड। देखो कितने कार्बन है, C4 यानी कार्बन कितने हो गए? 4, ये पांचवा, ये छठवा। ऐसे टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे? 6 कार्बन एटम हो गए। यहाँ पे कितने? ये देखो CH2/6 हो गए 6 कार्बन एटम। यानी कि नायलॉन 66 के अंदर 6 रिप्रेजेंट करता है एडिपिक एसिड के 6 कार्बन एटम, हेक्सामेथिलीन डायमाइन के 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या बताया मैंने? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा यानी कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, एक नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं। नायलॉन सॉल्ट फिर अंडरगो करता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और हमें देता है पॉलीअमाइड फाइबर जिसका नाम है नायलॉन 66। ठीक है, प्रेशर याद रखना है 3553 केल्विन। समझ में आ गया? इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नायलॉन 66 कहां कहां पे किस तरीके क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है? इट हैज अ हाई मॉलिक्यूलर मास, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, लीनियर है लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर है। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि लीनियर के अंदर सिर्फ एडिशन पॉलीमर ही हो सकते हैं, नहीं,
लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर से भी बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया नायलॉन 6-6, उसके बाद देखा कि इसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इट डज नॉट सोक इन वॉटर। समझ गए इसके यूजेस। नायलॉन 6-6 कहां पे यूज होता है? शीट्स बनाने में हेल्प हो सकती है। जो हम सुबह ब्रश करते देखो तो ब्रश के ऊपर ब्रिसल्स रहते हैं, जो हम दांत जिससे घसते हैं ना उसको हम बोलते हैं ब्रिसल्स, तो वो ब्रिसल्स भी नायलॉन 6-6 से बनते हैं। सर्जिकल सूचर्स मतलब क्या? जब अभी हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम एक इंसिजन देते हैं, वो इंसिजन को क्लोज करने के लिए हमें उसको सीना पड़ता है, उस सीने के लिए जो हमें धागा लगता है उसको हम बोलते हैं सर्जिकल सूचर्स। तो वहां पे भी हम लोग नायलॉन 6-6 का यूज करते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक्स, वहां पे नायलॉन 6-6 का यूज होता है। ठीक है, दूसरा भी हम देखेंगे नायलॉन 6 कैसे बनता है, रिंग पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टन, ये हो गया एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टन। यहां पे रिंग खुल रही है, देखो सी 1 2 3 4 5, ये हो गया CH2/5। यहां पे ये बॉन्ड टूटा, एक साइड पे आ गया NH और एक साइड पे आ गया ये, और बीच में के जो ये थे CH2/5 ये आ गए ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 6। ये नायलॉन 6 ये रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टन के अंदर 6 कार्बन एटम्स है, तो नायलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसके अंदर भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, और इसका यूज कहां पे? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। ठीक है, जो भी हम रोप्स यूज करते हैं या फिर फैब्रिक यूज करते हैं उसके अंदर नायलॉन 6 रहता है। ठीक है, टायर कॉर्ड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम नायलॉन 6 का यूज करते हैं। अब पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर यानी कि एस्टर से समझ में आ रहा है कि दो मोनोमर को जोड़ने वाला कौन सा रहेगा? एस्टर लिंकेज। ठीक है, टेरेलिन एक बहुत ही ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर है। कहां से बनता है ये? कंडेंसेशन पॉलीमराइज से। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा जिसके वजह से हमें पॉलीएस्टर मिलेगा। याद रखो एस्टर लिंकेज बन रहा है, एस्टर लिंकेज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जरूर इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता होगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है इसका मतलब ही क्या कि वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो कर रहा है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड से हमें पॉलीएस्टर मिलेगा। ये ले लिया हमने इथिलीन ग्लाइकोल, ये ले लिया हमने टेरेप्थैलिक एसिड, वाटर एलिमिनेट हो गया। टेम्परेचर याद रखो 420 और 460। मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल का चार्ट, उसके साथ साथ में जब भी आप एग्जांपल लिख रहे हो उसके आगे एक और कॉलम बनाओ, उसके मोनोमर्स लिखो और उसका टेम्परेचर लिखो। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया एट 420 टू 460 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट एंड इट गिव्स टेरेलिन और डैक्रॉन विच इज अ पॉलीएस्टर। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 265 डिग्री सेल्सियस, इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। यूजेस, रिंकल फ्री फैब्रिक्स बनाने के इसका काम आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या है? पेट को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में नहीं, ये गलत है, कैपिटल PET इस तरीके से लिखेंगे हम। समझ गए, या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला जो कि फिनॉल। फिनॉल के अंदर है दो टाइप्स, बेकलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। बेकलाइट क्या रहता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। देखो थर्मोसेटिंग मतलब क्या? थर्मोसेटिंग मैंने आपको बताया था, याद करो, थर्मोसेटिंग मतलब कि वैसे पॉलीमर्स जो कि एक बार हार्ड होने के बाद, एक बार मोल्ड हो जाने के बाद वापस रीमोल्ड नहीं होंगे। ठीक है, एक बार सेट हो गए, एक बार उनको मोल्ड कर दिया अब वो सेट हो गए उस कंडीशन, थर्मोसेटिंग। ठीक है, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब कि आर्टिफिशियली बनाए गए, इनसॉल्युबल है, इनफ्यूजिबल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। इनके यूजेस कहां कहां पे? इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। ठीक है, ग्लास के सब्स्टिट्यूशन के लिए हम बेकलाइट यूज करेंगे। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, किचन वेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर्स, बहुत सारी जगह पे बेकलाइट का यूज होता है। ठीक है, प्रिपेरेशन ऑफ बेकलाइट, ये देखो एक मॉलिक्यूल लिया फिनॉल का, एक लिया फॉर्मेल्डिहाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, क्या बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा। अब हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिल गए, इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है।
पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये देखो यहां पे ऐसे क्रॉसलिंक्स भी बन रहे, ये क्रॉसलिंक्स हो गए, माइनस एच टू ओ निकल रहा है, मतलब कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिनॉल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, उससे हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मिले, उस प्रोडक्ट के बीच में लिंकेजेस बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आजू बाजू में लिंकेजेस बनेंगे, इसी को हम बोलते हैं नोवोलैक। ये जो है लीनियर, इसको हम बोलेंगे नोवोलैक, और जब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे बेकलाइट। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा था, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब यहां पे क्या हुआ, पिछले इसके अंदर हमने क्या देखा था, बेकलाइट में क्या देखा था, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो कर रहे थे। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर में क्या होगा, मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। वहां पे क्या मिल रहा था, क्रॉस लिंक था, उसको क्या बोल रहे थे, बेकलाइट। लीनियर को क्या बोल रहे थे, नोवोलैक। ठीक है, इसका यूज क्या है, डेकोरेटिव टेबल टॉप्स लाइक फॉर्मिका एंड प्लास्टिक डिनरवेयर, ये बनाने के काम आता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया एक मेलामिन का मॉलिक्यूल, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का, और ये बन गया हमारा क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, मोनोमर्स कौन से किस पॉलीमर के अंदर यूज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जो कि है ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस क्या है, इलास्टोमर है, रबर है, रबर मतलब कि इलास्टोमर। इट इज अ को पॉलीमर मतलब क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर इन्वॉल्व, यानी कि दो टाइप ऑफ मोनोमर है, कौन से है, स्टायरीन एक और ब्यूटाडाइन दो, ऐसे दो उसके अंदर मोनोमर्स है। ठीक है, इसका ट्रेड नेम क्या है, SBR, डेराइव फ्रॉम द मोनोमर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एस रबर। कौन से है, स्टायरीन और ब्यूटाडाइन, उसी से उसका ट्रेड नेम डेराइव हुआ है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, स्टायरीन से एस, ब्यूटाडाइन से बी, रबर का आर, SBR। ठीक है, इट इज अ को पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ 75 पार्ट्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 25 पार्ट्स ऑफ स्टायरीन, यानी कि स्टायरीन का कितना परसेंटेज यूज हो रहा है, 25%, और ब्यूटाडाइन का कितना हो रहा है, 75%, टोटल कितना हो गया, 100%। ठीक है, और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इट इज ऑल्सो वल्कनाइज विद सल्फर। अब वल्कनाइजेशन करवा रहे हैं, मतलब क्यों करवा रहे हैं, वल्कनाइजेशन क्यों करवाते हैं, ताकि हमें एक ज्यादा सुपीरियर, एक ज्यादा अच्छा क्वालिटी का रबर मिले, यानी कि जो हमें नेचुरली ऑप्टेनिंग रबर था, जिसको हम बोलते थे नेचुरल रबर, उससे ज्यादा सुपीरियर होगा ब्यूना एस रबर। कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर सुपीरियर रहेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, अब्रेशन रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसी की वजह से वो टायर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, ये देखो, ये लिया हमने 1,3-ब्यूटाडाइन, ये लिया हमने स्टायरीन, और ये हमारा मिल गया SBR। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्यूना एस रबर। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड निकल रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटने की वजह से एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं, भले ही ये को पॉलीमर है लेकिन हो क्या रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जो कि है नियोप्रिन। नियोप्रिन इज अ सिंथेटिक रबर, हमने पहला क्या देखा था, अभी जस्ट ब्यूना एस रबर। ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। ब्यूना एस किससे बन रहा था, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। नियोप्रिन किससे बन रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, किसके, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नेम 2-chloro-1,3-butadiene, 1, 2, 3, 4, सेकेंड पे क्लोरो की ब्रांच, 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1, ये हो गया 1, ये हो गया 3-butadiene, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्रीन। ठीक है, और इसका वल्कनाइजेशन हम करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ब्यूना एस का वल्कनाइजेशन हम किससे करवा रहे थे, सल्फर से। इसका वल्कनाइजेशन हम किससे करवा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 2-chloro-1,3-butadiene, और इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो गया, हमें मिल गया नियोप्रीन, समझ गए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, वल्कनाइजेशन के बाद हमें मिल गया वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये पेट्रोलियम वेजिटेबल ऑयल्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, और कहां कहां पे यूज होता है, इसी के वजह से, क्योंकि ये पेट्रोलियम वेजिटेबल ऑयल्स को रेजिस्ट करता है, इसी के वजह से गैसकेट्स के अंदर यूज होंगे, गैसोलीन के ट्रांसफर के लिए,
जो पाइप्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं होस पाइप, उसके अंदर यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटेड केबल्स, जैकेट्स, पावर ट्रांसमिशन के बेल्ट्स, कन्वेइंग के बेल्ट्स, उनके लिए भी हम नियोप्रिन यूज करते हैं। ठीक है, अगला पॉलीमर है हमारा विस्कस रेयन। विस्कस रेयन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। देखो ये है हमारा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स आर नेचुरली डिराइव्ड पॉलीमर्स जिसके अंदर हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, उसको हम बोले थे रीजनरेटेड पॉलीमर्स। विस्कस रेयन के एग्जांपल के अंदर है रीजनरेटेड सेलुलोज। ठीक है, यानी कि सेलुलोज क्या है, नेचुरली ऑप्टेंड पॉलीमर है जिसके अंदर हमने चेंजेस करके उसको एक नया फॉर्म दिया, इसी की वजह से हम बोलेंगे रीजनरेटेड सेलुलोज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्कस रेयन। सेलुलोज को हम क्या बोलते हैं, वुड पल्प, उससे बनता है विस्कस रेयन। सेलुलोज क्या है, लीनियर पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है, लीनियर पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज यूनिट का। ठीक है, C6H10O5 का लीनियर पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज का दूसरा नाम है वुड पल्प। तो ये ले लिया हमने सेलुलोज पंप। इस सेलुलोज को हम सेल OH के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस ये है सेलुलोज का रिप्रेजेंटेशन। तो सेलुलोज ले लिया, सेलुलोज मतलब क्या, हमने वुड पल्प ले लिया, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला हमें, अल्कली सेलुलोज, उसको हमने रिएक्ट करवाया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, क्या मिल गया हमें, एक सॉल्ट सेलुलोज ज़ैंथेट। इस सेलुलोज ज़ैंथेट के अंदर हमने वाटर ऐड किया और उसके बाद हमें मिल गया एक विस्कस रेयन। तो देखा हमने इसकी प्रोसेसिंग करी, जो भी नेचुरली ऑप्टेंड सेलुलोज था, जो भी नेचुरली ऑप्टेंड पॉलीमर था, उसके अंदर हमने कुछ कुछ चेंजेस करे, उसको थ्रू उसके अंदर वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व करी, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड का एडिशन करना, NaOH का एडिशन करना, वाटर का एडिशन करना, और उसके बाद हमें मिला विस्कस रेयन। इसी के लिए हम इसको बोलते हैं रीजनरेटेड सेलुलोज। ठीक है, समझ में आ गया। अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, हमने बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलीमर देखे। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, कौन से पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है, कौन से पॉलीमराइजेशन से वो बनता है, एडिशन है कि कंडेंसेशन है कि रिंग ओपनिंग है, कौन से टेम्परेचर पे वो बनता है और कौन सा कैटलिस्ट हो रहे थे, उसके बाद में उसके कौन से यूजेस है। ऐसे आपको हर एक पॉलीमर का लिखना है, एक चार्ट बनाइए और अपने रूम में चिपकाइए, तभी वो याद रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन हुआ तो आपका एमसीक्यू गया। मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अब ये क्या है, एक जो पॉलीमर है वो अलग अलग टाइप ऑफ मोनोमर से बन सकता है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट एक एवरेज रहेगा अलग अलग मोनोमर्स का, बराबर है। मतलब कि जितने ज्यादा मोनोमर्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। मतलब द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब ही क्या, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब जो लो मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स है वो बहुत ब्रिटल रहते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाएंगे, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले वो बहुत ही टफ, एकदम अनमैनेजेबल स्ट्रेंथ रहेगी, उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें दोनों एक्सट्रीम मिल रहे हमें, लेकिन हमें वैसा चाहिए क्या जो एकदम आसानी से टूट जाए, या तो फिर टूटे ही ना, हमें चाहिए एक बीच का जो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन से, जो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन पे ना हो, एकदम नाजुक भी नहीं, वही जिसको मैनेज कर पाए वैसा पॉलीमर भी नहीं। तो इसका मतलब कि क्या, हमें एक डिजायर्ड नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट पे चेन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को तोड़नी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब हमें एक डिजायर्ड लेवल ऑफ मोनोमर मिल गए एक पर्टिकुलर पॉलीमर के अंदर, तो हम डिसाइड कर पाएंगे, यानी अगर हमने ज्यादा कम भी नहीं लिया, नहीं तो लो मॉलिक्यूलर मास हो जाता, बहुत ज्यादा भी नहीं लिया, नहीं तो हाई मॉलिक्यूलर मास हो जाता, हमने कुछ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर लेवल पे, यानी बीच के लेवल पे उस चेन को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट मस्ट पोसेस अ मॉलिक्यूलर मास मोर देन सर्टेन मिनिमम वैल्यू इन ऑर्डर टू एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमको जो मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर उसके नीचे गए तो लो मॉलिक्यूलर मास के अंदर हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम रहेगा, किसके लिए कम रहेगा, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग हो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग है तो उनको स्ट्रेंथ उसी से भी मिल जाती है, यानी कि वहां पे क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमें कम करना पड़ेगा। तो यानी कि
जहां दो पॉलीमर्स है, एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो इसके जो क्रिटिकल लेवल ऑफ पॉलीमराइजेशन रहेगी वो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारे थोड़े बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो हमने देखा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो पोल्यूशन हजार्ड कॉज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर पाते और वो डिकम्पोज नहीं हो गया एनवायरमेंट के अंदर। इसी वजह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को डेवलप किया गया ताकि वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके और पॉल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, उसके अंदर क्या है सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, मतलब क्या? जो अपने प्रोटीन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं उन्हीं से थोड़े मिलते जुलते फंक्शनल ग्रुप्स हमने हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हो गया, प्रोटीन क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। तो उनके मिलते जुलते फंक्शनल ग्रुप्स अगर हमने सिंथेटिक में इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप्स सिंथेटिक में प्रेजेंट रहने की वजह से सॉइल माइक्रोब्स इनके ऊपर एक्ट कर पाएंगे और उस पॉलीमर को तोड़ के डिकम्पोज कर पाएंगे और एनवायरमेंटली सेफ रहेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, पीएचबीवी, नायलॉन 2, नायलॉन 6, हमने देखा था नायलॉन 6, नायलॉन 6 दोनों भी नॉन बायोडिग्रेडेबल थे लेकिन नायलॉन 2, नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पीएचबीवी क्या है, इट इज अ को पॉलीमर ऑफ टू बायो फंक्शनल हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ऐसे दो मोनोमर्स का वो को पॉलीमर है। ठीक है, ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड ले लिया हमने, बीटा हाइड्रोक्सी मतलब क्या, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को अटैच जो कार्बन रहेगा, कार्बन वो रहेगा अल्फा, इसको जो अटैच रहेगा वो रहेगा बीटा, बीटा के ऊपर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो ब्यूटरिक एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पे मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो है बॉन्ड COOH। बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड क्या है, देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक, एक दो तीन चार पांच तो ये हो गया वैलेरिक एसिड, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड क्या अंडरगो कर रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, मतलब कि एस्टर लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्टर लिंकेज, इसी को हम बोलते हैं पीएचबीवी पॉलीमर। समझ में आ गया, बायोडिग्रेडेबल है। नायलॉन टू नायलॉन सिक्स, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स के अंदर क्या हो रहा है, ये को पॉलीमर है दो अमाइनो एसिड्स का जो कि है ग्लाइसिन और एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, समझ में आ गया, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स के अंदर क्या है, ग्लाइसिन और एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड का को पॉलीमर है। ठीक है, ये है हमारे लाइस स्लाइड जो कि है कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। ऐसे कुछ पॉलीमर्स जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने एनलिस्ट करा है, उनका मोनोमर है, उनका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा और कहां कहां पे वो यूज होते हैं। अब एमसीक्यू कहां से भी आ सकता है, ठीक है, पूछ सकते हैं कि एडहेसिव के अंदर कौन सा पॉलीमर यूज होता है, तो ब्यूना एन यूज होगा, ब्यूना एस कहां पे यूज होता है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा चार्ट रखना है, पढ़ेंगे थोड़ा सा। पर्सपेक्स या फिर एक्रिलिक गास, इसका मोनोमर कौन सा है, मिथिल मेथाक्रिलेट। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पे, ये लेंसेज में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, एलसीडी स्क्रीन के अंदर यूज होता है। ठीक है, एक्रिलिक ग्लास, याद ग्लास से याद रखना, एलसीडी स्क्रीन, ग्लास, लेंसेज। ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एन से याद रखना, एडहेसिव, रबर बेल्ट्स, गास्केट्स। ठीक है, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, ये कहां पे यूज होते हैं, वाटर पाइप्स, रेनकोट्स। पॉलीएक्रिलोअमाइड, ये कहां पे यूज होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज होता है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसके अंदर देखो नाम से समझ में आ रहा है, यूरिया एक मोनोमर, फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा मोनोमर, कहां पे यूज होगा, अनब्रेकेबल डिनरवेयर, तोड़ दो फोड़ दो टूटेगा ही नहीं। ग्लिप्टाल, ग्लिप्टाल के अंदर कौन से मोनोमर्स है, दो मोनोमर्स है, इथिलीन ग्लाइकॉल, थैलिक एसिड। ठीक है, कहां पे यूज होते हैं, पेंट्स और लैक्रोस। अब देखो यहां पे भी पेंट्स के अंदर यूज हो रहे थे, यहां पे भी पेंट्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पेंट्स के अंदर कौन से मोनोमर पॉलीमर्स यूज होते हैं, दोनों ऑप्शन दिए हैं और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट के अंदर मोनोमर कौन से, बिस्फेनॉल, फॉस्फीन। ठीक है, कहां पे यूज होते हैं,
इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में। थर्मोकॉल, थर्मोकॉल किससे बनता है? स्टायरीन से, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसके वजह से ये अभी बैन हो चुका है, समझ गए। तो मैं वापस बोलूंगा कि ये पॉलीमर एग्जाम, पॉलीमर चैप्टर्स के अंदर आपको एग्जांपल्स, उसके मोनोमर्स, उसका टेम्परेचर, उसका कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक चार्ट बनाइए और अपने रूम में चिपका दीजिए, आपको उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।